वो 18 और 19 मई के दरमियानी रात थी, यानी आज से ठीक 10 दिन पहले। पुणे में एक तेज रफ्तार पोर्शे कार दो आईटी इंजीनियर्स को कुचल देती है और पता चलता है कि उस कार को चलाने वाला नशे में धुत था, नाबालिग था। हादसे के बाद उस रात को क्या हुआ, आज आपको हम वो पूरी कहानी सुनवाएंगे एक प्रत्यक्षदर्शी से जो उस समय वहीं पर मौजूद थे। इनका नाम अमीन शेख है, ऑटो चलाते हैं। अमीन हादसे वाली जगह पर ही मौजूद थे और तेज रफ्तार कार से कुचलने से बाल बाल अमीन खुद बचे थे। अमीन शेख से बात की हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह ने। हमारे साथ हैं अमीन अकबर शेख। अमीन अकबर शेख वही व्यक्ति हैं जो बाल बाल बचे। 19 मई को उन्होंने जस्ट रोड क्रॉस किया था और अगले ही सेकंड में वो पोर्शे गाड़ी उनके पीछे से गुजरी और आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया। आइए अमीन शेख से बात करते हैं और जानते हैं उस एक्सीडेंट के बारे में और जब वो गाड़ी से उस आरोपी जुवेनाइल को निकाला गया तब उसने क्या कहा था। अमीन बताइए उस रात क्या हुआ था। सर एक्चुअली हम उस दिन सैटरडे नाइट रहने से गए ना, सब ऑटो वाले वो साइड रहते, तो मैं मेरी ऑटो लेफ्ट साइड में खड़ा करके काफ़ी देर तक रुका था। और रुकने से क्या हो गया, जस्ट सामने ट्रैफिक होने के वजह से मैं रास्ता क्रॉस करने लगा। मैंने राइट में देखा था गाड़ी नहीं थी, जैसे मैं रास्ते के बीच में गया उतने में गाड़ी फुल स्पीड में मेरे पीछे से चली गई। मतलब आपने देखा कि कोई गाड़ी नहीं है और तो भी तुरंत गाड़ी आ गई। 4 सेकंड में गाड़ी आ गई, 4 सेकंड में ही गाड़ी आ गई। क्या स्पीड रहा होगा गाड़ी का? 200 के आसपास होगा, 100% 200 गया, क्योंकि जब मैं राइट में देखा था तो मेरी नजर कम से कम 400 साढ़े 400 500 मीटर तक गई थी कि गाड़ी नहीं थी। जैसे मैंने रास्ते के बीच में आ गया ना तो उतने में गाड़ी मेरे पीछे से चली गई और इतनी स्पीड थी ना कि मेरा सब डर गया मैं। और जैसे आवाज आया ना मैंने देखा कि लड़की ऊपर जा रही है और ऊपर जाके सीधा नीचे गिर गई। ऑन द स्पॉट वो खत्म ही हो गया, हलचल ही नहीं थी उसकी। तो हम लोग ने क्या किया, पहला मैं मेरे ऑटो के पास भाग के मेरी चाबी निकाला, चाबी निकाल के मैं वो लड़की के पास गया और वो लड़का थोड़ा आगे गिरा था ना तो उसका ये पूरा अंदर का जो सामने का है वो झटके ले रहा था जोर जोर से कि वो भी जान छोड़ने ही वाला था। फिर हम लोग ने क्या किया, उनको साइड में किया, साइड में करने से फिर वो जब तक तो ऑलरेडी इधर से सब क्राउड निकल गया था उनको मारने के लिए, गाड़ी से निकाल के डायरेक्ट मारना ही चालू किया था। ये आप इसमें दिखा सकते हैं कि कहां पर है ये, आप वीडियो में कहां पर है? सर ये जो है ना आपको मैं बता देता हूँ, ये मेरा ऑटो खड़ा है, ये जो मेरा ऑटो खड़ा है और ये मैं आगे चलते आ रहा हूँ। देखिए ये मैं ऑटो के पास खड़ा हूँ और सब ये टर्न मार रहे हैं, ये देखो मैं खड़ा हूँ ऑटो के पास। आप थोड़ी देर में देखेंगे ना ये क्राउड ट्रैफिक जाम हो गया और मैं आगे क्रॉस करते आ रहा हूँ। ये देखो गाड़ी मेरे पीछे से चली गई, हार्डली 2 सेकंड में वो गाड़ी मेरे पीछे से चली गई है। जी जी जी, जब तक वो क्राउड उधर चले गया था वो लड़के लोगों को निकाल के मारना चालू था। हम लोग ने फिर वो लड़की की बॉडी और वो लड़की को साइड में बिठाया, साइड में। जब उस लड़के को बाहर निकाला गया तो वो लड़का क्या बोल रहा था? बोला तो मारो मत, कितना भी खर्चा हो गया रहेगा, कितना भी नुकसान है मैं देने के लिए आप भी तैयार हो। मतलब जितना भी पैसा होगा मैं दूंगा, ऐसे बोल? हाँ, कितने भी पैसे लगेंगे मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ, हमारे लोगों को मारो मत। कितने लोग निकले थे गाड़ी में? सर एक पहला निकल के भाग गया था लेफ्ट साइड से और आगे 2 लोगों को निकाला था। आगे 2 लोगों को निकाला था। अमीन, और आपको क्या याद आ रहा है कि गाड़ी में से जो लड़का निकला जो ड्राइविंग सीट पे था वो कितने साल का होगा? नहीं ये तो याद नहीं सर, कैसा है हम जब पहुंच गए थे ना ऑलरेडी उनको निकाल के मारना चालू था। हाँ। और जो लड़के को मार रहे थे वो कितने साल का दिख रहा था? वो कुछ 20-21 के आसपास दिख रहा था। और वो मतलब लड़का ही था, कोई ऐसे 40 साल का आदमी तो नहीं दिख रहा था? 2 लोगों को मार रहे थे। नहीं, क्योंकि इस केस में ड्राइवर के नाम पे केस डालने की कोशिश हुई है इसीलिए मैं पूछ। नहीं ड्राइवर तो नहीं था, क्योंकि 2 लड़के गाड़ी आगे जो फ्रंट पे जो बैठे थे ना यंग लड़के थे तो उनको मार रहे थे लड़के लोग। हम जब उधर पहुंचे ना, जब ये बॉडी हम लोग ने साइड में रख के जब उधर पहुंचे तो उनको मार रहे थे ना, तो हम लोग ने बोले पहले पुलिस को कॉल करो, तो उसमें से 2-3 लोग बोल रहे थे कि ये पैसे की बात कर रहा है कि मारो मत, कितना पैसा चाहिए, और 2 लोगों को मार रहे थे। यानी बार बार वो पैसे की बात कर रहा था, बात कर रहा था कि हमारे लोगों को मारो मत, आपको क्या कितना पैसा चाहिए, हम लोग अभी देने के लिए तैयार है। मतलब बार बार ये पैसे की बात कर रहा था। पुणे हादसे की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने अग्रवाल परिवार की मर्सिडीज कार बरामद कर ली है। आरोप है कि इसी कार में नाबालिग आरोपी के दादा ने ड्राइवर गंगा राम का अपहरण किया था। इस बीच ससून अस्पताल में गड़बड़ी की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन भी कर दिया है।
एक तरफ है पुणे में दो लोगों की जान लेने वाली पोर्श कार, तो दूसरी ओर है मर्सिडीज। दोनों का गहरा कनेक्शन। 18-19 मई के दरमियानी रात को बेकाबू रफ्तार पोर्श कार को चलाने वाला नाबालिग आरोपी जब फंसा तो उसके दादा ने इसी मर्सिडीज कार से ड्राइवर गंगा राम को अगवा कर लिया, ताकि पुलिस के सामने ये बयान दिलवाया जा सके कि उस रात पोर्श को नाबालिग नहीं बल्कि गंगा राम चला रहा था। लेकिन चश्मदीदों ने ये सच पुलिस को बता दिया कि उस रात गाड़ी नाबालिग आरोपी ही चला रहा था। और दो बच्चे भी थे उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स थे, वो भी बोल रहे थे कि हमने गाड़ी चला रहे थे, ऐसा ऐसा वो गाड़ी चला रहा था, जिसको पुलिस वाले पहले लेके जा चुके थे। पुलिस ने मर्सिडीज को जब्त कर लिया है, साथ ही कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के दादा की पुलिस हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। इस बीच केस की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने उस रात आरोपी नाबालिग के साथ पोर्श कार में मौजूद दूसरे नाबालिग से पूछताछ की। पुणे एक्सीडेंट केस में आज आरोपी जुवेनाइल के साथ जो दो लड़के और थे उनसे फिर से क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ की, सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। इसके अलावा जो मर्सिडीज कार जुवेनाइल अक्यूज के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने इस्तेमाल की थी ड्राइवर को अगवा करने के लिए, उसको भी आज सीज कर लिया गया। उधर नाबालिग आरोपी की मेडिकल जांच को लेकर ससून अस्पताल में हुए फर्जीवाड़े की जांच तेज हो गई। सरकार ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है जिसकी अगुवाई जेजे अस्पताल की टीम कर रही है। आज हमने इंक्वायरी की है, कंसर्न कैजुअल्टी कंसर्न ऑफिसर्स से पूछताछ की है। ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। पुलिस ने डॉक्टर अजय तावड़े और डॉक्टर श्रीहरि हालनार को गिरफ्तार किया है। दोनों के साथ ससून अस्पताल का कर्मचारी आमित भी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है कि दोनों डॉक्टर्स ने 3 लाख रुपए लेकर आरोपी का ब्लड सैंपल बदल दिया। आज तक के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक 19 मई को नाबालिग के पिता और डॉक्टर तावड़े के बीच फोन पर 15 बार बात, 14 बार फेस टाइम और व्हाट्सएप कॉल किए गए और 1 बार सामान्य कॉल। सारे कॉल सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:40 के बीच किए गए। गौरतलब है कि आरोपी का ब्लड सैंपल सुबह के 11 बजे लिया गया था। आरोपों की सच्चाई जानने के लिए आज तक की टीम डॉक्टर तावड़े के घर पहुंची। वहां मौजूद उनके रिश्तेदारों ने डॉक्टर तावड़े को बेकसूर बताया और कहा कि उन्हें खुद नहीं पता था कि सैंपल बदला जा रहा है। तुम्हारा नातेवाईक म्हणून काय वाटतं काय चोरीचं? मतलब अरेस्ट नहीं होना चाहिए बदल दिया उसके बारे में क्या बोलते पुलिस मैं ब्लड सैंपल बदल किसी नेता का फोन आया था उनको उसके ऊपर से। क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर तावड़े के पास से 3 लाख, डॉक्टर हल्लोर के पास से 2.5 लाख और कर्मचारी अमित के पास से 50,000 रुपए जब्त किए। दोनों डॉक्टरों के पास से 3 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर पंचनामा सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। एक महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित की गई SIT जो कि ससून हॉस्पिटल के उन दोनों डॉक्टर्स के कॉन्डक्ट के बारे में इंक्वायरी करेगी, उन्होंने आज ससून हॉस्पिटल विजिट किया और अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की। इसके बाद वो टीम क्राइम ब्रांच पहुंची, क्राइम ब्रांच के अफसरों से मिली और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ 14 कॉल्स डॉक्टर तावड़े और जो जुवेनाइल आरोपी का पिता है उन दोनों के बीच सुबह 8 बजे से लेकर 10:45 के बीच में इतने कॉल्स पर दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, जिसके बाद वो ब्लड सैंपल बदला गया। कैमरा पर्सन मजा चौहान और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, पुणे आज तक। पुणे हादसे को लेकर राजनीति भी है जो काफी तेज चल रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे और मामले की CBI से जांच की अब मांग कर रहे हैं। तो पुणे के घटना के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया। वहां पर जिस तरह से घटना हुई तो एक विधायक का लड़का भी ये जो अमीर जादा के लड़के के साथ जो नाबालिग था वो भी वहां पर नशा कर रहा था, ये मालूमात हमारे पास है। वो कौन विधायक का लड़का है वो भी एक स्पष्टीकरण सरकार ने देना चाहिए। जिस तरह से ससून हॉस्पिटल के डॉक्टर तावड़े ने वहां पर जो ब्लड सैंपल कचरे के कुंडी में डालकर
नया सैंपल वहां पे जोड़ने का पाप जो किया, जो सामने बात आई, तो उस डॉक्टर तावरे को उस हॉस्पिटल का अधीक्षक बनाने के लिए, सुप्रिटेंडेंट बनाने के लिए कौन मंत्री ने लिखत दिया था, कौन विधायक था जो सरकार को उसको अधीक्षक बनाने के लिए खत दिया था, वो राज्य के मुख्यमंत्री ने तुरंत डिक्लेयर करना चाहिए। और जो तपस अधिकारी था उनने एक ही केस में दो दो एफआईआर बनाई, पहली जो एफआईआर बनाई उसमें वो आरोपी छूट गया। बात ऐसी, वो आरोपी का उम्र 17 साल से आगे 18 साल से कम है, ऐसे मेरे को मालूम गया। लेकिन जो गंभीर गुना है, एक गुने में 15 साल के ऊपर जो रहेगा तो इसको कड़क कार्रवाई हो सकती, लेकिन पुलिस ने पैसे लेके वो कार्रवाई कमजोर किया और उसको कोर्ट में शामिल किया। उसमें जो एफआईआर में जो कलम डालने वाले थे वो डाले नहीं, इसकी वजह से कोर्ट ने उसको जामीन दिया।